पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कैमे के विधायकों ने सुलह कमेटी में उठाए मुद्दों का समाधान नहीं होने से नाराजगी जताई है। पायलट गुट के विधायक मुकेश भाकर, रामनिवास कावड़िया और वेद प्रकाश सोलंकी ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति में हो रही देरी पर सवाल खड़े किए हैं। तीनों विधायकों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी में रहे थे और कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और सचिन पायलट के साथ मजबूती से खड़े हैं। आलाकमान को कार्यकर्ताओं से जुड़े मसले सुलझाने चाहिए। राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी से कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं और हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहकर ही अपनी आवाज़ उठाएंगे और जनता की भी आवाज़ उठाएंगे। जिस प्रकार सचिन पायलट ने कहा था कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, अब पायलट समर्थक विधायक भी यही बात दोहरा रहे हैं। ने जो बात करी है उसको पूरा करना चाहिए, 10 महीने बीत चुके हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं और पायलट साहब खुद के लिए तो कुछ मांग नहीं रहे। उन्होंने जो बात कही है वो जो जिन्होंने 5 साल संघर्ष कराया है, जो नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी बात को उन्होंने बुलंद किया है, तो वो मैं समझता हूँ कि 10 महीने बाद उस बात को पूरा किया जाए। 15 दिन में सिद्धू को सुन लिया जाता है कैप्टन के चक्कर में, सचिन पायलट को 10 महीने में नहीं सुना जाता है, इससे कितना इत्तेफाक है। सुना जाना चाहिए था पायलट साहब को, उन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष कराया, इतना बड़ा जनाधार है उनका राजस्थान से बाहर भी।